विभद्द तस्वीरें हैं, डरावनी, खौफनाक, हिंसात्मक। शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, लेकिन तस्वीरें आपको मैं नहीं दिखा सकती हूँ। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इस हमले में इसराइल के 1200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जवाब में अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल की कार्रवाई में 34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पर इसराइल ने ठाना हुआ है कि हमें पूरी तरह से हमास को खत्म कर लेना है, अब देखते हैं कि जवाब इसमें किस तरीके से मिलता है। लेकिन हाँ, जो शरणार्थी हैं उनकी जान जा रही है, जो आम जनता है उनकी जान जा रही है। भारत एट 9 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ काजोल नारायण। आज बात करेंगे गाजा की। जी हाँ, एक बार फिर से गाजा चर्चा में है। गाजा रफाह की वजह से चर्चा में है। गाजा के दक्षिण इलाके में बसे रफाह में इजरायली फौज के दाखिल होने के बाद फिलिस्तीन विस्थापितों के एक राहत शिविर पर हुए हमले में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं। आज अगर आप ट्विटर पर यानी कि एक्स पर जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंडिंग में यही तस्वीरें नजर आएंगी। विभद्द तस्वीरें हैं, डरावनी, खौफनाक, हिंसात्मक। शब्दों का इस्तेमाल मैं कर रही हूं, लेकिन तस्वीरें आपको मैं नहीं दिखा सकती हूं। अगर आप चाहें तो सोशल मीडिया पर सर्च कर सकते हैं, आपको तमाम तरीके की तस्वीरें दिख जाएंगी, लेकिन मैं आपको तस्वीरें नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि वो तस्वीरें बहुत ही भयावह हैं, रूह कांपा देने वाली है। देखिए, शहर में गोलीबारी और धमाकों का सिलसिला अब भी जारी है। वहां की जो समाचार एजेंसी है रॉयटर्स और AFP ने फिलिस्तीन अधिकारियों के हवाले से कहा है कि इस धमाके में 21 लोग मारे गए हैं। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इस पूरे हमले में 64 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा जो न्यूज एजेंसी है वफा, इसकी रिपोर्ट बताती है कि फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रवक्ता नाबिल अबू रुइनी ने रफा पर हुए हमले को नरसंहार बताया है। इस बीच इजरायली फौज ने रफा शहर की एक महत्वपूर्ण पहाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया, यानी कि पहले से भी ज्यादा भयावह हो सकता है। इस पहाड़ी को राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी अहम माना जाता रहा है। सोशल मीडिया पर जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, उसमें बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज जो इंडिया के हैं उनको भी घसीटने की कोशिश हो रही है। अब यहां से मिस्र से लगने वाली नजदीकी सीमा दिखाई देती है। सोशल मीडिया पर आ रहे फुटेज में इस धमाके के बाद घटनास्थल का मंजर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये फुटेज धमाका बहुत ही भयानक था, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। हम इस घटना की तफ्तीश लगातार सोशल मीडिया पर खंगाल रहे हैं, और जैसा कि ज्यादा जानकारी की हम बात करें तो वो भी आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश हम करेंगे। लेकिन आज जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, बीते 2 से 3 दिन से जो तस्वीर आ रही है, वो बहुत ही डरा देने वाली है। आखिर ये युद्ध कब खत्म होगा? ये लड़ाई, ये जंग, ये नरसंहार, ये मौत का सिलसिला कब तक रुकने वाला है? इजरायली सेना का कहना है कि वो इस संभावना की जांच कर रहा है कि राहत शिविर में हुआ यह धमाका एक हथियार डिपो के हवाई हमले की जद में आ जाने से कहीं तो नहीं हुआ। इसके अलावा IDF के प्रवक्ता रियर एडमिरल डेनियल हंगरी ने कहा है कि हमले में जिन 2 गोलों का इस्तेमाल किया गया था, वे आकार में इतने छोटे थे कि उसने अपने आप इतना बड़ा धमाका नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा कि हवाई हमले के टारगेट पर हमास के 2 सीनियर कमांडर थे जो उस इलाके के बाहर मौजूद थे, जिसे इसराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एरिया चिन्हित कर रखा है। इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद जल्द ही एक आपातकालीन बैठक भी कर सकती है। देखिए, गाजा के अधिकारियों का कहना है कि इसराइल से विस्थापित फिलिस्तीनियों के राहत शिविर पर यह हमला किया गया है। इमरजेंसी सेवा लगातार जारी है। आपको बता दें कि कुछ टेंटों को तोप के 4 गोलों से निशाना भी बनाया गया। अल्मवासी को इसराइल ने फिलिस्तीन लोगों के लिए सुरक्षित इलाके के तौर पर चिन्हित किया था, लेकिन यहां भी वो सुरक्षित नहीं है। इससे पहले इजरायली टैंक रफाह शहर के बीच पहली बार पहुंचे थे। स्थानीय लोगों और पत्रकारों ने वह कहा है कि इजरायली फौज ने शहर के एक प्रमुख चौराहे पर अपना नियंत्रण स्थल पर स्थापित कर लिया है। इस जगह पर बैंक और सरकारी इरादों के दफ्तर हैं। अरबी सोशल मीडिया में शेयर किए जा रहे वीडियोस में रफाह के तैब मस्जिद में धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये मस्जिद ताल अल सुल्तान नामक जगह पर है, जो कि अल अब्दा चौक से करीब 400 किलोमीटर दूर है। ये मस्जिद उस कुवैती कैंप से 1.5 किलोमीटर दूर है, जहां रविवार को हुए एयर स्ट्राइक में 46 लोग मारे गए थे। तो ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये वीडियो ज्यादा पुराना नहीं है, ये वीडियो अभी का है। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये जो पोस्ट हैं वो लगातार किए जा रहे हैं। इसे आई ऑन फिलिस्तीन सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया था।
दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि धुआं तोपों के हमले का नतीजा है, लेकिन हमें फिलहाल इस बात का कोई ऐसा सबूत तो नहीं है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जगह तो वही है, रफा के बीचों बीच इसराइली टैंक है। इसके अलावा कुछ वहाँ के जो निजी चैनल्स हैं, वहाँ के जो मैगजीन्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, वहाँ पर भी इस तरह की वीडियोस सामने आ रही है। आपको बता दें कि 300 मीटर की दूरी पर यूनेशन फील्ड अस्पताल है, यहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ था और वीडियो में कैमरे और बाईं ओर देखा जा सकता है और शहर के मध्य से धुआं निकलता भी नज़र आ रहा है। तो यकीनन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वीडियो हाल फिलहाल का ही है, लेकिन इसके अलावा जिस तरह से हमलों की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे कहीं ना कहीं आहत होने वाली चीज़ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने रविवार को रफा में किए हमले को दुखद दुर्घटना बताया। इसराइल ने रविवार को रफा के शरणार्थी कैंप पर हमला किया था। इस हमले में कम से कम 45 लोगों की जान चली गई थी। हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतन्याहू को लगातार आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि रफा में हमने 10 लाख लोगों को सुरक्षित निकाला है, हमारी कोशिश है कि नागरिकों को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन ये घटना सोमवार को हुई, हम इसकी जाँच कर रहे हैं और हम इससे सीखेंगे। नेतन्याहू कहते हैं कि किसी भी नागरिक को हुआ नुकसान हमारे लिए त्रासदे की तरह है, हमास के लिए नीति है। हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इसराइल के हमले में 45 लोगों की जान चली गई, सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कईयों की हड्डियां टूट गई हैं, कुछ लोग गहरे रूप से जख्मी हैं। इसराइल के संसद में नेतन्याहू ने कहा कि हम वो हर संभव कोशिश करते हैं कि गाजा में नागरिकों की सुरक्षा की जाए। इसराइली सेना का बचाव करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हमास के खिलाफ जंग में सेना की कोशिश रहती है कि जो लोग इसमें शामिल नहीं हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। इसराइल में जंग रोकने के लिए कई देशों की ओर से अपील की जा रही है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत यानी कि ICC ने भी इसराइल से तुरंत युद्ध रोकने के लिए कहा था। नेतन्याहू ने इस बारे में कहा, जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाता तब तक जंग रोकने का मेरा कोई इरादा है नहीं। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल पर हमला किया था। इस हमले में इसराइल के 1200 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। जवाब में अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल की कार्रवाई में 34,000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मारे जाने वालों में बच्चों और महिलाओं की अच्छी खासी संख्या है। मेडिसिन सन्स फ्रंटियर्स यानी कि MSF का कहना है कि उसके केंद्र पर कम से कम 28 लोगों के शव हमले के बाद लाए गए, उनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। आपको बता दें कि ये एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था ने अपने एक बयान में कहा कि 180 घायल फिलिस्तीनियों को उपचार किया जा रहा है, कई घायल हैं। इसराइल के उन दावों को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि हमला हमास पर निशाना लगाकर किया गया। संस्था का यह कहना है कि हमला एक तथाकथित सुरक्षित इलाके की आबादी से भरे शिविर में किया गया, ये दिखाता है कि यहाँ इंसानी जान की क्या कीमत है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सोमवार की शाम को रफा की तस्वीरों को दिल तोड़ने वाली बताया। हालांकि अमेरिका ने कहा कि इसराइल के पास ये अधिकार है कि खुद का बचाव करे। अमेरिका में नेशनल सिक्योरिटी के प्रवक्ता जॉन कर्बी ने कहा कि इसराइल को हक है कि हमास को निशाना बनाए। हम समझते हैं कि रफा में किए हमले में हमास के 2 बड़े आतंकी मारे गए हैं जो इसराइली नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन सवाल ये है कि जो यहाँ पर इसराइल ने ठाना हुआ है कि हमें पूरी तरह से हमास को ख़त्म करने देना है, ये हमला तो किया जा रहा है, लगातार युद्ध पर विराम लगाने की बात की जा रही है, लेकिन इसमें जो आम लोगों की, जो मासूमों की जान जा रही है उसका क्या? इसराइली अधिकारी सोमवार को इस हमले के बाद ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर रफा में गड़बड़ कहाँ हुई। इस फैसले के बाद इसराइल पर दुनिया की नज़र है। इसराइल ये बात जानता है कि दबाव में है। इसराइल इस हमले को खुफिया सूचनाओं पर आधारित बता रहा है और 2 हमास चरमपंथियों के मारे जाने को भी गिनवा रहा है, लेकिन इससे ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर इस हमले की योजना कैसे बनाई गई, इतनी बड़ी क्षति हुई। इसराइली सेना के शीर्ष अधिकारी इस मामले में जाँच की बात कहते हैं। ऐसे में जल्द इनसे जुड़े कारणों के बारे में पता चल सकता है। जाँच में चाहे जो भी पता चले, रविवार को ये घटना इस अभियान के लिए अहम मोड़ साबित होगी। हालांकि नेतन्याहू जैसी बातें कर रहे हैं उसे ऐसा लगता नहीं है कि रविवार के हमले से उनकी सोच बदल जाएगी। जमीन पर मौजूद इसराइली सैनिक सावधानी बरतते दिख रहे, लेकिन रविवार को जो हुआ उससे इसराइल की छवि को एक झटका लगा। हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल के 200 से ज्यादा नागरिकों को बंधक बना लिया था, इनमें से कुछ को अब तक छोड़ा गया और कुछ के मरने की भी जानकारी सामने आई है। अब इसी वजह से ये डील लगातार हो रही है, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर ये कब समाप्त होगा, क्योंकि एक बार रविवार को फिर से इस तरह की तस्वीरें देखी गई है। अब देखना यह कि जवाब इसमें किस तरीके से मिलता है, लेकिन हाँ, जो शरणार्थी हैं उनकी जान जा रही है, जो आम जनता है उनकी जान जा रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर फिर से वैश्विक स्तर पर किस तरह का रुख अपनाया जाता है। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर लौटेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।